हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो कनाडा इंडस्ट्री में एक और धमाकेदार मूवी का टीजर आया है जिसका नाम है कब्जा। अब इसका टीजर देखने के बाद सिर्फ एक ही फिल्म दिमाग में आती है या सिर्फ एक ही फिल्म का ख्याल आता है, वो है केजीएफ। कब्जा फिल्म का टीजर फ्रेम टू फ्रेम हमें केजीएफ की वाइब देता है। कब्जा फिल्म का टीजर आने से पहले ऑडियंस को ये पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई मूवी बन रही है और अचानक ही इसका टीजर लॉन्च किया गया और इस टीजर को पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। जिस तरह इस टीजर की एडिटिंग की गई है ना, वो तो बहुत ही कमाल का है। बिना किसी आवाज के, बिना किसी के बोले ये टीजर इतना कुछ कह गया। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो पूरे टीजर में इतना शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था कि उसको सुन के कुछ अलग ही फील आ रहा था। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो कहानी एक गैंगस्टर की होगी और दौर रहेगा 1942 से लेकर के 1984 का, जहाँ टीजर देखकर हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर पे हमला होता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, जिसमें एक फ्रीडम फाइटर का बेटा माफिया गैंग में चला जाता है और फिर शुरू होती है इतिहास बदलने वाली जर्नी। कब्जा फिल्म के टीजर में बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, इमोशन और सिनेमाटोग्राफी ये सब बहुत ही अच्छे से इस टीजर में हमें दिखाया गया है। इस फिल्म में उपेंद्र सर लीड रोल में रहेंगे और साथ ही में इसमें किच्चा सुदीप भी हैं। अब उनका क्या रोल है इस मूवी में, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है और अगर इस फिल्म की कहानी अच्छी हुई तो ये फिल्म एक अलग ही रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि केजीएफ के बाद अब लोगों को ऐसी मूवी बहुत पसंद आ रही है। अभी तो इस फिल्म का सिर्फ टीजर ही आया है और कुछ टाइम बाद इसका ट्रेलर भी आ जाएगा, जिससे हमें और जानकारियाँ मिलेंगी। और इस मूवी का जैसे ही ट्रेलर आता है तो मैं उसका रिव्यू जरूर बनाऊंगा। ओवरऑल मुझे तो इसका टीजर बहुत पसंद आया है और आपको इसका टीजर कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।